से परिवार की बेहतरीन हालत में होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपने उर्दू के लेक्चर नंबर 5 का आगाज़ करते हैं। ठीक है, जो हमारा आज का उनवान है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रेलिवेंट है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इसकी पढ़ाई से गो थ्रू हो चुके हैं, तो आज हम इसकी जो रिमेनिंग चीज़ें हैं वो करते हैं। तो जल्दी से बच्चों अपनी वर्कबुक्स ओपन कीजिए। वर्कबुक पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला जो लेसन है इसे आपने ओपन करना है। सबसे पहले आपने देखना है कि इसमें कौन सा पॉइंट है। पहले हमारे पास इमलाक अल्फाज हैं, फिर जुमले हैं। ठीक है, जो दोबारा लिखने हैं आपने जुमले, जुमले उन्होंने आपको कुछ इस तरह से दिए हुए हैं कि उनके खत खशीद अल्फाज होंगे, आपने दोबारा से लिख देने हैं। ठीक है, फिर जुमले बनाने हैं, फिर सवाल जवाब करने हैं, उसके बाद हरूफ तहज्जी। तो सबसे पहले हम अपने पहले पॉइंट पर रोशनी डालते हैं। देखिए, इमलाक अल्फाज हैं, तीन आपको लफ्ज़ उन्होंने दिए हैं। पहला है मक्का, तकसीम, नसीहत। ये तीन इमलाक अल्फाज हैं, आप लोगों ने बेटा बिल्कुल ऐसे ही राइट करने हैं। ठीक है, टू टू लाइंस उन्होंने आप लोगों को दी हुई हैं, आपने टू लाइंस पे एक एक वर्ड को रिपीट कर देना है। ठीक है, तकसीम लिखते हुए आपने इसके सिरों का ख्याल करना है। देखें, एक ते का सिरा बनेगा, एक काफ का, तीन सीन के और एक ये का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बेटा आपके तीन इमलाक अल्फाज हैं। जो नसीहत वर्ड था ना, इसे भी आप लोगों ने बहुत जो है वो ध्यान से लिखना है। एक नून का आप इसका सिरा बनाएंगे, ठीक है, एक स्वाद का, फिर ये है और ते, इस तरह से ये नसीहत वर्ड जो है ये आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इन तीनों लफ्ज़ों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, जुमले दोबारा लिखने हैं। ठीक है, ये देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके जुमले दिए उन्होंने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशा तिजारत था। तो बेटा ये पेशा वर्ड जो है उन्होंने आपको अंडरलाइन करके दिया हुआ है, ठीक है, खतकशीदा किया हुआ है। तो हम इस वर्ड का मतलब लिखेंगे और फिर इस पूरी लाइन को दोबारा से वर्कबुक पे राइट करेंगे। पेशा, पेशा का मतलब होता है कारोबार। ठीक है, दूसरा देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे काम करने की नसीहत की। तो यहाँ बेटा कौन सा लफ्ज़ अंडरलाइन किया हुआ है, नसीहत। तो नसीहत का मानी हम लिखेंगे यहाँ पे ताकीद। ठीक है, मैंने एक एक वर्ड राइट करके आपको बताया हुआ है, लेकिन आप लोगों ने इस पूरी लाइन को दोबारा से राइट करना है, इसके ख़त कशीदा लफ्ज़ को चेंज करते हुए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नया फल पहले बच्चों में तकसीम करते। तकसीम का मतलब आपने क्या लिखना है, बांटना। ठीक है, बच्चों में बांटते थे। ये दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स हमारा क्लियर हो गया। चलिए बेटा, अब हम आते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, जुमले बनाए। ठीक है, तीन जुमले हैं यहाँ पे, इज्जत, सच, तकसीम। इन लफ्ज़ों के आपने जुमले बनाने हैं। सबसे पहले देखिए, इज्जत, बड़ों की इज्जत करो, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, सच, हमेशा, हमेशा सच बोलो या सच बोलो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास तकसीम, अली ने खाना तकसीम किया। ये जुमले हैं, इन जुमलों को भी आप लोगों ने अच्छे से राइट कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, बेटा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सवाल और जवाब। ठीक है, आपकी वर्कबुक पे सवाल लिखे हुए हैं, पे सवाल लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने जवाब लिखते जाना है, जवाब की स्पेस उन्होंने आपको दी हुई है। तो पहला सवाल है हमारे पास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसकी इबादत करने का हुक्म दिया। तो बेटा किसकी इबादत करनी चाहिए, अल्लाह की। ठीक है, किसकी इबादत का हुक्म दिया गया हमें, अल्लाह की। तो यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो अल्लाह की राइट करेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, दूसरा सवाल है हमारे पास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन काम बातों की नसीहत की। कोई सी तीन बातें लिखनी है आपने। ठीक है, सबसे पहले देखिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी नसीहत की, बड़ों की इज्जत करो। दूसरे नंबर पे आपने लिखना है सच बोलो। तीसरे नंबर पे लिखना है छोटों से प्यार करो। ठीक है, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नसीहत की है। तो ये था हमारा दूसरा सवाल। अब हम आते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। इसमें हम पूछ रहे हैं, जब भी हमारे सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आए तो हमें क्या पढ़ना चाहिए। प्यारे बच्चों, क्या पढ़ना चाहिए हमें, जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो हमें दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन था और ये उसका आंसर है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, हरूफ तहज्जी। ठीक है, हरूफ तहज्जी में देखें, आप लोगों को उन्होंने कुछ लफ्ज़ दिए हुए हैं। ठीक है, आपने उन्हें अरेंज करके लिखना है। उन्होंने सबसे पहले आपको दिया है इज्जत, फिर दिया है फल, फिर उसके बाद पैगाम, और लास्ट में उन्होंने आपको दिया है सच्चे। लेकिन मैंने यहाँ पे अरेंज करके आपको बता दिया है, पहले नंबर पे हमारे पास आएगा पैगाम, उसके बाद फल,
फिर सच्चे और फिर इज्जत। अगर आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही हुई तो आप लोगों ने अलिफ बे लिख लेनी है, ठीक है। और उसमें से आपने देखना है कि पहले कौन सा हरफ आ रहा है, फिर उसी हरफों की तरतीब से आपने हरूफ दर्जी की तरतीब से इन्हें अरेंज कर लेना है। क्लियर बच्चों? उम्मीद है कि आप लोगों को इस लेसन की समझ आ गई होगी। तो बच्चों आप लोगों ने इस लेसन को बेटा अच्छे से अपने वर्कबुक पर राइट कर लेना है, ठीक है। अगर कोई भी मसला हो तो आप लोग वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।